बीएससी सेकेंड ईयर इसके अंदर जूलॉजी में आज बात करते हैं। हरमानिया का इसके अंदर कह सकते हैं कवच के बारे में बात कर रहे थे, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं सेल या जिसे कवच कहा जाता है हरमानिया, उस कवच में पाया जाता है। और उसमें इसके अंदर कह सकते हैं, और इसे इसके अंदर कह सकते हैं अन्य नाम से जैसे जाना जा सकता है टेस्ट या ट्यूनिक कवच, जो इसे कहा जाता है टेस्ट या ट्यूनिक कवच। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं चार अलग अलग भाग जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं, वो आपको बताए गए थे। फिफ्थ इसके अंदर पार्ट कौन सा होता है उसके बारे में आप बताते हैं। फिफ्थ इसके अंदर पार्ट होता है जिसे कहा जाता है स्पिक्यूल्स या जिसे कहा जाता है कंठिका, स्पिक्यूल या कंठिका, वह इसके अंदर कह सकते हैं पांचवा भाग होता है। यह कैल्शियम की बनी होती है, कंठिकाएं जो होती है इसके अंदर कैल्शियम की बनी होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर कंटिका या स्पिक्यूल्स इसके अंदर कह सकते हैं जो कवच में पाए जाते हैं या टेस्ट या ट्यूनिक में पाए जाते हैं, वह इसके अंदर कह सकते हैं उसके ऊपर स्पाइन या कांटे पाए जाते हैं। अभी जैसे संरचना बताएंगे इसमें किस प्रकार से इसके अंदर पूरे इसके अंदर कह सकते हैं एक स्पिक्यूल पर जो कंटिकाएं पाई जाती है उस पर एक लाइन पाई जाती है, दोनों तरफ इसके अंदर कह सकते हैं एक लाइन पाई जाती है इसके अंदर स्पाइन या कांटों की, जो कि सुरक्षा इसके अंदर कह सकते हैं जंतु की करती है। तो स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं जो कि कैल्शियम की बनी है, कांटे इसके अंदर एक लाइन में इसके अंदर कह सकते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्पिक्यूल्स जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मेगा स्केलर्स और दूसरे होते हैं माइक्रो स्केलर्स। इससे पहले वाले इसके अंदर वर्टिकल सेक्शन जो इसके अंदर टेस्ट का बताया था उसमें भी दो इसके अंदर कह सकते हैं आपको डायग्राम में भी दिख रहे होंगे या बताया गया है, जिसमें मेगा स्केलर्स और माइक्रो स्केलर्स पाए जाते हैं। मेगा स्केलर्स और दूसरे जो होते हैं इसके अंदर उसे कहा जाता है माइक्रो स्केलर्स। मेगा स्केलर्स जो होते हैं इसके अंदर बड़े आकार के होते हैं, आकार इनका कह सकते हैं बड़ा होता है और ये पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर या बॉडी पर उपस्थित होते हैं हर्ट को छोड़कर इसके अंदर कह सकते हैं पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। तो जो इसके अंदर कह सकते हैं मेगा स्केलर्स जो कंठिकाएं होती हैं बड़े आकार की होती है, पूरे शरीर पर पाई जाती है, लेकिन हर्ट को छोड़कर पूरे शरीर पर पाई जाती है। बड़े आकार की जो कंठिकाएं होती है उनको मेगा स्केलर्स कहते हैं। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं मेगा स्केलर्स को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है उसके आकार के आधार पर, शेप किस प्रकार का है उसके आधार पर उसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो पूरे शरीर पर उपस्थित हर्ट को छोड़कर और बड़े आकार की जो कंठिकाएं होती है उनको मेगा स्केलर्स कहा जाता है, और छोटे आकार की जो कंठिकाएं होती है उनको कहा जाएगा इसके अंदर माइक्रो स्केलर्स। तो मेगा स्केलर्स में दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से होते हैं माइक्रो जो मेगा स्केलर्स हैं उनके डायग्राम ऐसे बनाए जाए। दो अलग अलग आकार की जो कोशिकाएं इसके अंदर या कंठिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, दोनों का आकार अलग अलग है लेकिन दोनों इसके अंदर किसके अंतर्गत ही आती है मेगा स्केलर्स के अंतर्गत ही आएगी। इसके अंदर क्या क्या अंतर पाया जाता है, जैसे स्पाइन या कांटे भी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाएंगे एक लाइन में, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन इसके अंदर बाहर की ओर पाए जाते हैं, दोनों तरफ होते हैं स्पाइन या कांटे जो पाए जाते हैं इसके अंदर वह उस मेगा स्केलर्स के दोनों तरफ होंगे।
उसमें इसके अंदर क्या सकते हैं, एक जो इसके अंदर फर्स्ट जो मेगा स्केलर्स है उसे कहा जाता है पिपेट आकार, पिपेट से। और दूसरा जो होता है इसके अंदर वह धुरी या जिसे कहा जाता है स्पिंडल से, स्पिंडल या धुरी के आकार का। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पिपेट की तरह बीच का भाग फूला हुआ पाया जाता है, और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं दोनों तरफ इसके अंदर, दोनों इसके अंदर कह सकते हैं मेगा स्केलर्स की बात करें तो दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं दोनों तरफ इसके अंदर कांटे पाए जाएंगे, लेकिन आकार दोनों का अलग होता है। दोनों तरफ इसके अंदर कांटे पाए जाते हैं लेकिन दोनों का आकार अलग अलग होगा। तो एक तो पिपेट शेप के होते हैं बीच में से फूले होते हैं, एक कंटिन्यू इसके अंदर कह सकते हैं लगातार इसके अंदर कह सकते हैं एक ही आकार के जैसे बेल लगा है लंबे होते हैं, और इसके अंदर दोनों तरफ इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं स्पाइनिया कांटे पाए जाते हैं। ये इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार है इसके अंदर मेगा स्केलर्स जो कि बड़े आकार के होंगे। दूसरा इसके अंदर होता है अभी बताया जैसे माइक्रो स्केलर्स, वो क्या होते हैं सेकेंड होंगे माइक्रो स्केलर्स। ये क्या होता है माइक्रो स्केलर्स, इसके अंदर इनका आकार छोटा होगा, छोटे इसके अंदर कह सकते हैं साइज के होंगे, जैसे इसके अंदर जो माइक्रो स्केलर्स की तुलना मेगा स्केलर्स बड़े थे, इनमें इसके अंदर कह सकते हैं जो शरीर पाया जाता है, या मेगा स्केलर्स की इसके अंदर कह सकते हैं इसकी संरचना की बात करें स्ट्रक्चर, संरचना जो होती है इसके अंदर इसमें वह ऑर्बिन जैसी होती है। ऑर्बिन के समान इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें भी दो भाग इसके अंदर पाए जाएंगे, ऊपर का भाग अलग होता है नीचे का भाग अलग होता है। ऊपर का भाग जिसको हेड कहा जाता है और नीचे का भाग जिसको शरीर या बॉडी कहा जाता है। शरीर या बॉडी इसके नीचे वाले भाग को कहा जाएगा, तो ये हेड हो गया इसके अंदर और नीचे वाला भाग इसके अंदर, इसमें भी स्पाइन या कांटे दोनों तरफ पाए जाते हैं। कंटिकाएं जो है इसके अंदर स्पिक्यूलिया कंटिकाएं जो होती है छोटे आकार की, उसमें ऑल्पिन शेप के हैं छोटे आकार के, तो वह तो इसके अंदर कह सकते हैं माइक्रो होते हैं, और बड़े आकार के हैं जो पिपेट शेप के या स्पिंडल शेप के होते हैं। अब इसके अंदर कह सकते हैं कि सर इसके अंदर कार्य की बात करें, क्या कार्य करते हैं इसके अंदर स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं जंतु के शरीर में जो कवच है उसमें पाई जा रही है, तो उसका क्या कार्य होता है। एक तो होता है इसके अंदर कह सकते हैं अंतर कंकाल बनाना, अंतर कंकाल या एंडोस्केलेटन बनाना, एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करती है। और दूसरा इसके अंदर कार्य होता है इनका बॉडी वॉल या जिसे कहा जाता है मेंटल, शरीर भित्ति, शरीर की जो भित्ति है जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे मेंटल कहा जाता है, यह जो भाग है इसको टेस्ट या कवच में स्थिर रखना, जो कवच होता है इसके अंदर टेस्ट या ट्यूनिक जिसे कहा जाता है, इसमें शरीर को इसके अंदर कह सकते हैं भित्ति को स्थिर रखने का कार्य किया जाता है, या कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं फिक्स किया जाता है, फिक्स या स्थिर रखने का कार्य जो किया जाता है वह इसी स्थिति में कह सकते हैं जो स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं होती है उसके द्वारा किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इसकी शरीर की भित्ति या मेंटल या जिसे बॉडी वॉल कहा जाता है वह क्या होता है। शरीर की भित्ति या बॉडी वॉल,
बॉडी वॉल या शरीर वृद्धि या जिसे इसके अंदर मेंटल भी कहा जाता है, जो कि इस जंतु में पाई जाती है, यह क्या होती है? टेस्ट या ट्यूनिक को हटाने पर, टेस्ट या ट्यूनिक कवच जो इसके अंदर पाया जा रहा है, इसको यदि हटाया जाए, रिमूव किया जाए, जो भाग इसके अंदर दिखाई देता है वो क्या होती है? शरीर की। तो बॉडी वॉल जो इसके अंदर पाई जाती है वो टेस्ट या ट्यूनिक कवच के नीचे पाई जाएगी। तो सबसे बाहर की ओर तो कवच पाया जा रहा है, कवच के नीचे जो इसके अंदर, उसको हटाकर यदि देखा जाए तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है जो भाग है उसे बॉडी वॉल या शरीर की भित्ति कहा जाता है। और टेस्ट या ट्यूनिक जो कवच है वह शरीर के भित्ति से बॉडी वॉल से इसके अंदर दो स्थानों पर जुड़ा होता है। दो स्थान कौन कौन से होते हैं? ब्रैंकियल और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियल, सिफोन, जो आपको इसके अंदर छिद्र बताए गए थे। इसके अंदर वो छिद्र जहां पर पाए जाते हैं, इस भाग को जो फूला हुआ इसके अंदर उभरा हुआ पार्ट होता है इसके अंदर, इसको ब्रैंकियल और एट्रियल इसके अंदर सिफोन कहा जाता है। तो वह जो भाग है इसके अंदर, वहां पर कवच या टेस्ट जो होता है इसके अंदर, वो मेंटल या शरीर की भित्ति से जुड़ता है। पूरे शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं टेस्ट या कवच इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, दो भाग पर इसके अंदर कह सकते हैं जुड़ा हुआ पाया जाता है, टेस्ट और शरीर की भित्ति। शरीर की भित्ति या मेंटल की बात करें, ये शरीर पर भी समान रूप से नहीं पाई जाती। इसका अर्थ है कि इसके अंदर एक तो हो गया कि कवच और शरीर की भित्ति आपस में जुड़ रहे हैं दो भाग के द्वारा, पूरे इसके अंदर कह सकते हैं भाग पर ये जुड़े हुए नहीं रहते। उसके अलावा शरीर की भित्ति जो कि इसके अंदर कह सकते हैं शरीर को चारों ओर से कवर कर रही है, बॉडी को चारों ओर से जो कवर कर रही है, वह भी समान रूप से उपस्थित नहीं होती है। ये भी इसके अंदर कह सकते हैं जो एंटेरो डॉर्सल जो पार्ट है या जिसे कहा जाता है अग्र क्रस्ट भाग, यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इसके अंदर कह सकते हैं पारदर्शी होती है। और जो इसके अंदर दूसरा भाग है पोस्टीरियर वेंट्रल जिसे पार्ट कहा जाता है या जिसे कह सकते हैं पश्च, इसके अंदर अदर भाग, अग्र क्रस्ट भाग और पोस्टीरियर या पर क्रस्ट इसके अंदर कह सकते हैं वेंट्रल जो पार्ट होता है इसके अंदर, वहां पर यह इसके अंदर थिन होती है, पतली होती है और पारदर्शी होती है। इसकी बात कर रहे हैं शरीर की भित्ति। तो इसके अंदर थिकनेस इसके अंदर ज्यादा होती है एंटीरियर पार्ट पर, अग्र भाग या डॉर्सल पार्ट पर, एंटीरियर डॉर्सल जो पार्ट होता है उस पर तो थिकनेस भी ज्यादा होती है और वहां पर ट्रांसल्यूसेंट होती है। और यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं थिन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होगी और यहां पर ट्रांसल्यूसेंट होती है। इसके अलावा शरीर की भित्ति जो है बॉडी वॉल की बात करें तो ये एट्रियल कैविटी या जिसे कहा जाता है एट्रियल गुहा को कवर करके रखती है, रखने का कार्य करती है, रखने का कह सकते हैं या इसको एनक्लोज करती है, उसको बंद करती है, कवर करना या इसके अंदर कह सकते हैं उसको एनक्लोज करती है। बंद करने का कार्य या जिसे कहा जाता है एनक्लोज करना, एनक्लोज करने का कार्य इसके शरीर की भित्ति के द्वारा किया जाता है। तो समान रूप से इसके अंदर कह सकते हैं ये भी इसके अंदर बॉडी वॉल या शरीर की भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड, ये टेस्ट या ट्यूनिक कवच के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं दो स्थानों पर ही जुड़ती है। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं यह टेस्ट या ट्यूनिक कवच के नीचे की ओर पाई जाने वाली जो भित्ति होती है उसको मेंटल या बॉडी वॉल कहा जाता है। इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जाता है?
एट्रियल कैविटी जो कि आपको बता चुके हैं जैसे इसमें कि इसको बंद करने का कार्य करती है, क्लोज करने का कार्य करेगी। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की भित्ति के तीन भाग होते हैं, शरीर की भित्ति के तीन भाग होते हैं। सबसे पहले तो आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है बाह्य अधिचर्म, आउटर एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है बाह्य अधिचर्म बाहर की ओर होती है, एकल परत होती है या जिसे कहा जाता है सिंगल लेयर। शरीर की भित्ति के सबसे जो बाहरी पार्ट होता है वह या आउटर जो पार्ट होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसे कहा जाता है आउटर एपिडर्मिस। भित्ति का सबसे बाहरी जो भाग होगा उसको आउटर एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है इसके अंदर बाहरी जो भाग है उसको इसके अंदर बाह्य अधिचर्म कहा जाता है। यही भाग जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं टेस्ट या किडनी का सीक्रेशन करता है। जब टेस्ट या किडनी कवच आपको बताया गया था उसमें बताया था कि इसके अंदर ये बार बार इसके अंदर कह सकते हैं कवच जो होता है रिप्लेस होता रहता है, हटता रहता है और उसके स्थान पर नया बनता रहता है। और ये बताया था कि मेंटल या इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी वॉल के द्वारा बनता है। तो बॉडी वॉल या मेंटल जो इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की भित्ति जो है उसके द्वारा जब ये भाग बनेगा किस भाग के द्वारा बनता है उसके भी शरीर की भित्ति के भाग जिसको कहा जाता है आउटर एपिडर्मिस या बाह्य अधिचर्म जो कि इसके अंदर टेस्ट या ट्यूनिक कवच का सीक्रेशन करने का कार्य करेगा। सेकेंड इसके अंदर जो पार्ट होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है मेसेनकाइम, मेसेनकाइम। सेकेंड इसके अंदर पार्ट होगा शरीर की भित्ति का। ये मध्य भाग होता है मिडल पार्ट जो कि इसके अंदर कह सकते हैं आउटर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है शरीर की भित्ति में। ऊपर सबसे बाहरी भाग तो हो गया एपिडर्मिस जो आउटर एपिडर्मिस हो गई, और सेकेंड जो पार्ट होता है इसके अंदर मध्य में उसको कहा जाता है मेसेनकाइम या मिडल पार्ट। इसमें जैसे इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल लेयर या इसके अंदर कह सकते हैं एकल परत पाई जाती है कोशिकाएं, इसके अंदर कह सकते हैं लेयर चारों जो पाई जाएगी वह सिंगल लेयर ही होती है। इसके अंदर कह सकते हैं दो या तीन लेयर इसके अंदर कह सकते हैं उसमें नहीं पाई जाती है। तो सिंगल लेयर से इसके अंदर मिलकर इसके अंदर कोशिकाओं की उसके द्वारा ये पार्ट मिलकर बना हुआ होगा। तो मेसेनकाइम मध्य भाग होगा, मेसोडर्म से बनता है, इसके द्वारा बनता है फॉर्म बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से इसके अंदर बनता है। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं उत्तक तंतु, पेशी तंतु और पाए जाते हैं इसके अंदर तंत्रिका तंतु। मेसेनकाइम में तीन प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, टिश्यू फाइबर, जिसे उत्तक तंतु कहते हैं, पेशी तंतु या जिसे कहा जाता है मसल्स फाइबर, और तीसरा होता है इसके अंदर नर्व फाइबर। तीन प्रकार के तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर मेसेनकाइम वाले भाग में होंगे। इसके अलावा कौन कौन से और भाग होते हैं? मेसेनकाइम में और कौन कौन से भाग होते हैं? मेसेनकाइम में यदि बात करें तो बीच का भाग है मेसेनकाइम, इसमें मसल्स पाई जाती है पेशियां या मसल्स जो कि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की मसल्स इसमें पाई जाती है। सबसे पहली होगी एन्यूलर, एन्यूलर मसल्स या पेशियां जो कि दोनों सीफोन का संकुचन करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ सीफोन। तो
एन्यूलर मसल्स का जो कार्य होता है इसके अंदर, जो कि शरीर की भित्ति में पाई जाती है, वह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाने वाले दो जो सिफोन है, जिसको कि इसके अंदर एट्रियल सिफोन और ब्रैंकियल सिफोन कहा जाता है, इनका कॉन्ट्रेक्शन करवाने का जो कार्य होता है एन्यूलर मसल्स का होता है, जो कि मेसेनकाइम में पाई जाती है। सेकेंड, इसके अंदर जो मसल्स होगी उसको कहा जाता है, दूसरी जो मसल्स है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसका जो कार्य है बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन करना, जो संकुचन किया जाता है शरीर में। एक तो इसके अंदर सिफोन जो भाग है उसमें संकुचन करवाने के लिए होता है एट्रियल और ब्रैंकियल भाग में, और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में संकुचन करवाने के लिए दूसरी मसल्स पाई जाती है, जिसको कि लॉन्गिट्यूडनल मसल कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड जो मसल्स है इसको लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो शरीर का संकुचन करवाने के लिए होती है। तीसरा इसके अंदर भाग होता है जिसको कहा जाता है ब्रैंकियो एट्रियल मसल या पेशियां। तीसरी जो मसल्स होती है इसके अंदर, यह इसे कहा जाता है ब्रैंकियो एट्रियल, ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स या पेशियां। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रैंकियो एट्रियल, मतलब ये जो दो सिफोन पाए जाते हैं, जो भाग होते हैं उसमें दो एपर्चर जो पाए जाते हैं वो तो दोनों सिफोन के बीच में पाए जाते हैं, इसकी उपस्थिति जो इसके अंदर कहां पर होती है दोनों सिफोन के बीच में, वहां पर कॉन्ट्रेक्शन या संकुचन करवाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स के द्वारा। तो दोनों सिफोन के बीच में पाई जाती है वो ब्रैंकियो एट्रियल होती है, एन्यूलर होती है सिफोन का संकुचन करवाने के लिए, दोनों के बीच में संकुचन करवाना है तो ब्रैंकियो एट्रियल, और इसके बीच में जैसे इसका शरीर का संकुचन करवाना है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं मेसेनकाइम जो है मध्य भाग मेसोडर्म से बना हुआ, वह भाग जो होता है इसके अंदर, इसमें मसल्स इसके अंदर फाइबर है या नर्व फाइबर है या उत्तक इसके अंदर फाइबर या तंतु पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर ग्रुप होते हैं, इसके अंदर जैसे टिश्यू है तो टिश्यू का ग्रुप, या मसल फाइबर है तो मसल्स का ग्रुप, या इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिका या नर्व फाइबर है तो नर्व या तंत्रिका कोशिकाओं का समूह इसके अंदर वहां पर पाया जाएगा, और उस पर भी तीन प्रकार की मसल्स अलग अलग पाए जाएंगे। तीसरा भाग जो होता है इसके अंदर बॉडी वॉल का, वह क्या है, तीसरा भाग होता है इसके अंदर जिसे कहा जाता है इनर या आंतरिक एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है अधिचर्म। अधिचर्म जो होती है इसके अंदर एक तो आउटर होगी बाहर की, ये इनर या आंतरिक इसके अंदर कह सकते हैं जिसे अधिचर्म कहा जाता है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर पाई जाती है शरीर की भित्ति में। इसके अंदर यदि बात करें तो यदि बाहर से यदि अंदर की ओर देखा जाए तो बाहर तो सबसे पहले अधिचर्म जो होगी वो आउटर होगी, बाह्य अधिचर्म, फिर मेसेनकाइम, और सबसे अंदर की ओर जो पाई जाती है इनर एपिडर्मिस या जिसे कहा जाता है आंतरिक अधिचर्म। और अंदर से बात करें तो सबसे पहले इनर इसके अंदर एपिडर्मिस या अधिचर्म, उसके बाद में मेसेनकाइम, और थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर पाई जाती है आउटर एपिडर्मिस। तो अंदर की ओर पाई जाती है, ये भी सिंगल लेयर होगी, एकल परत इसकी पाई जाती है, इसके अंदर दो इसके अंदर कह सकते हैं या डबल लेयर के रूप में नहीं पाई जाती है, एकल लेयर ही होगी। और इसके अंदर इसके अलावा इसका जो कार्य होता है यह एट्रियल कैविटी को बंद करना, एनक्लोज करना, जो भी बताया गया था इसके अंदर बॉडी वॉल को, इसके अंदर जो कि एट्रियल कैविटी को, क्योंकि इस अंदर इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्गन पाए जाएंगे या कैविटी पाई जाएगी उसको चारों ओर से कवर करने का जो शरीर की भित्ति का जो कार्य होता है, शरीर की भित्ति का जो कार्य है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर एनिमल के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन पाए जा रहे हैं या सिलोम होती है, तो इसके अंदर कह सकते हैं ये जो भाग होता है, तो बाहर तो इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर शरीर की भित्ति होगी, इसमें तो इनर हो गई जैसे थर्ड लेयर हो गई, यहाँ पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर फर्स्ट हो गई, और सबसे बाहर की ओर टेस्ट या ट्यूनिक कवच हो गया जंतु की। तो अंदर की ओर जो कैविटी पाई जा रही है उसको चारों ओर से कवर करने का कार्य इनर एपिडर्मिस के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं पूरी एनिमल के चारों ओर पाई जाती है, यहाँ पर मेसेनकाइम होगी और यहाँ पर आउटर एपिडर्मिस पूरे शरीर पर, उसके बाद में इसका टेस्ट या ट्यूनिक कवच पाया जाता है।
तो इस प्रकार से जो हरमानिया में बॉडी वॉल पाई जाती है, शरीर की भित्ति पाई जाती है, वह इसके अंदर कह सकते हैं तीन भागों से मिलकर बनी होती है, सुरक्षा का कार्य करती है। तीनों भाग का अलग अलग प्रकार का कार्य होता है, पेशियों का।